अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा जावेद है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल से है। पाकिस्तान की मईशत में एक जो बुनियादी और जो स्ट्रक्चरल इशू है वो है ट्रेड डेफिसिट का, यानी कि तजारती खसारा। अगर हमें किसी भी मईशत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेजर करना हो तो हम दो इंडिकेटर्स को देखा करते हैं। एक है माली खसारा जिसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, और दूसरा है तजारती खसारा। मगर अगर किसी मईशत में ये दोनों मसाइल बयक वक्त एक साथ मौजूद हों तो उसको कहा जाता है ट्विन डेफिसिट, विच इज़ द मदर ऑफ़ ऑल ईवल्स। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने ट्विन डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए IMF से और दीगर दोस्त ममालिक से कर्ज लिया और माली इमदाद ली, ताकि एक सॉवरन डिफॉल्ट का जो ख़तरा है उसको अवर्ट किया जा सके। पाकिस्तान के ट्रेड पैटर्न को या पाकिस्तान की ट्रेड कॉम्पोजिशन को अगर पिछले कई सालों में देखा जाए तो हमें नज़र आता है कि एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंट हैं, बल्कि जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को हर साल अपना ट्रेड डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए कर्ज़ा लेना पड़ता है। अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो दो चीज़ें नज़र आती हैं, एक है इम्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़्यादती, दूसरा है एक्सपोर्ट्स में कमी। एक सक्सेसफुल ट्रेड पॉलिसी वो ट्रेड पॉलिसी होती है जो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है इकॉनमी के लिए, मईशत के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए और हुकूमत के लिए। मगर पाकिस्तान की तारीख में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो ज़्यादातर फोकस किया है वो इम्पोर्ट बिल को कम करने पे फोकस किया है, यानी कि इम्पोर्ट्स को कर्टेल करने पे। हम अगर ज़्यादा दूर नहीं जाते, पिछले साल 2022 में पाकिस्तान ने अपनी तारीख में सबसे बड़ा तजारती खसारा विटनेस किया है, यानी कि हमारे इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके रिएक्शन में स्टेट बैंक पाकिस्तान ने अराउंड 177 प्रोडक्ट लाइंस के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया। इस तरह के मेजर्स को कहा जाता है इम्पोर्ट कंट्रोल, या फिर कहा जाता है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ होती हैं ये वो ममालिक इम्प्लीमेंट करते हैं जो या तो फोकस कर रहे होते हैं लोकलाइजेशन के ऊपर, विच मींस के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना और डोमेस्टिक उस हद तक प्रोटेक्ट करना कि वो ग्रो कर जाए। हमारे पास लोकलाइजेशन की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो या तो ऑटो पॉलिसी है या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के केस में लोकलाइजेशन या फिर अगर आप कहें ऑटो पॉलिसी टू बी मोर स्पेसिफिक, इट्स अ फेलियर। दूसरी तरफ जो ममालिक एक्सपोर्ट प्रमोशन पे फोकस करते हैं, जो बरामदात को बढ़ाने पे फोकस करते हैं, ना तो वो रीजनली कम्पीट करते हैं, बल्कि कुछ हद तक वो अगर वो लीस्ट डेवलप्ड स्टेटस पे हैं तो वो लीस्ट डेवलप्ड से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेटस हासिल करने में भी कामयाब होते हैं। बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया कैसे जाए। इंटरनेशनल ट्रेड में किसका सिंपल सा फार्मूला है जिसको कहा जाता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन का ये मतलब है कि एक्सपोर्ट्स हों या फिर इम्पोर्ट्स हों, उस पर हुकूमत जो है वो किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं करती, और कारोबारी हजरात को कारोबार करते हुए किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं आना चाहिए। जब किसी किस्म का कोटा या किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती तो मार्केट ऑटोमेटिकली एक कमोडिटी की प्राइस, एक प्रोडक्ट की प्राइस, बेशक वो डोमेस्टिक लेवल पर है या इंटरनेशनल लेवल पर है, वो डिटरमिन करती है। सो ट्रेड लिबरलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए जो कि इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कहा जाता है बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये डिफरेंट सूरतों में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, या फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, कस्टम यूनियंस, या फिर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। जहाँ तक कि FTAs की बात है, पाकिस्तान का चाइना और मलेशिया एंड श्रीलंका के साथ FTA है, जबकि PTA की बात है उज़्बेकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया और मॉरिशस के साथ पाकिस्तान की PTAs हैं। एक वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हैज़ फ्यूर PTAs एज़ कम्पेयर्ड विद वर्ल्ड एवरेज, जो कि 7-14 है, विच इज़ क्वाइट लो। किसी भी मुल्क के कम ट्रेड अग्रीमेंट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आइदर देर इज़ लैक ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और लैक ऑफ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन एंड लैक ऑफ मार्केट एक्सेस। सिर्फ कम PTAs होना जो है, जहाँ के कम PTAs होना या कम ट्रेड अग्रीमेंट्स होना इज़ अलार्मिंग, वहाँ पे एग्रीमेंट्स की कंपोजिशन होना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, जिसका ये मतलब है कि
how the FTAs are negotiated. In case of Pakistan, what we see ke, apart from the agreement with China and apart from the agreement with Malaysia, all other agreements, jo, they only focus on goods. Jiska matlab yehi hua ke they are not deep and they are shallow. However, according to the definition of World Trade Organization, एक सक्सेसफुल एफ टी ए वही एफ टी ए होता है जो ना कि सिर्फ एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स पे फोकस करते हैं बल्कि इट सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट एंड इट प्रमोट्स द फ्लो ऑफ सर्विसेज इज वेल बट इन केस ऑफ पाकिस्तान वी डू नॉट सी दैट हैपनिंग जहाँ तक मॉरिशस अग्रीमेंट की बात है जो कि पाकिस्तान के साथ एक पी टी ए है पाकिस्तान ने मॉरिशस के साथ ये माहिदा 2007 में साइन किया और ये एक वाहिद वो माहिदा है जो पाकिस्तान का अफ्रीका जैसे बड़े रीजन में है अगर हम मॉरिशस अग्रीमेंट को एक बार खोल के देखें तो हम देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान ने जो टैरिफ लाइंस लिबरलाइज की हैं और जो मॉरिशस ने टैरिफ लाइंस लिबरलाइज की हैं तो वो hardly 1.6% of the total tariff lines traded with Mauritius हैं सिर्फ यही बात alarming नहीं है बल्कि इसके साथ साथ अगर आप utilization rate देखें तो पाकिस्तान एंड Mauritius के ट्रेड अग्रीमेंट की जो utilization rate है it is hardly 8% which is alarming दूसरी तरफ अगर आप चीन के माहिदे को चीन के agreement को देखें चीन का जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में शेयर है दैट इज़ 9% एंड चाइना इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तान इन 2022 पाकिस्तान ने चाइना के साथ ये एफटीए जो था फेज़ वन में 2007 में साइन किया और जहाँ पाकिस्तान ने 5000 जहाँ पाकिस्तान को 5000 टैरिफ लाइंस के ऊपर आइदर एलिमिनेशन ऑफ ड्यूटीज़ या फिर रिडक्शन ऑफ ड्यूटीज़ दी गई वहाँ पे पाकिस्तान ने चाइना को 6000 से ज़ायद टैरिफ लाइंस के ऊपर यही सहूलत दी अनफॉर्चुनेटली फेज़ वन ऑफ द पाकिस्तान चाइना एफ टी ए वॉज़ अ फेलियर क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा जब पाकिस्तान ने मुआहदा साइन किया उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स चाइना को $1 billion भी नहीं थी जबकि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट थी चाइना से वो अराउंड $2.5 to $3 billion थी लेकिन 2022 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं चाइना से वो $17.5 billion तक इंक्रीज़ हो गई जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स चाइना पे हार्डली $3 billion इन 2022 इसकी वजह से पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट विद चाइना था वो बढ़ता चला गया बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला हुकूमत पाकिस्तान को प्राइवेट सेक्टर की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान उठाना पड़ा इस वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ इकदाम उठाए जिसके अंदर पाकिस्तान चाइना एफ टी ए को रीनिगोसिएट किया गया रीस्ट्रक्चर किया गया और 2013 में पाकिस्तान चाइना एफ टी ए फेज़ टू रीनिगोसिएट किया गया इस बार चीन ने पाकिस्तान को 313 टैरिफ लाइंस के ऊपर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ड्यूटीज़ थी ये वो टैरिफ लाइंस थी जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इंटरेस्ट में थी अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली वो टैरिफ लाइंस हैं जो पाकिस्तान मुल्क भर में एक्सपोर्ट करता है मगर अफसोस की बात ये है कि अगर आप इसको स्टडी करें तो इन 313 टैरिफ लाइंस का जो यूटिलाइजेशन रेट है वो हार्डली 25% है यानी कि उसमें से जो 45% टैरिफ लाइंस थी वो पाकिस्तान और चाइना आपस में भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं विच इज़ अलार्मिंग पाकिस्तान के एफ टी एस को अगर एक नटशेल में कंक्लूड किया जाए तो हमें तीन चीज़ें नज़र आती हैं ए पाकिस्तान हैज़ फ्यू ट्रेड अग्रीमेंट्स अनफॉर्चुनेटली बी जो पाकिस्तान के ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं दे आर शैलो इन नेचर यानी कि जो कवरेज ऑफ गुड्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं है एंड लास्टली पाकिस्तान ट्रेड अग्रीमेंट्स आर अंडर यूटिलाइज हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त ये चाहिए कि वो ट्रेड पॉलिसी को रिविज़िट करे एक ऐसी एक्सपोर्ट पॉलिसी बनानी चाहिए जो इंक्लूसिव हो इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री ओरिएंटेड पॉलिसीज होनी चाहिए बिकॉज वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि एक्सपोर्ट्स जनरेट इंडस्ट्री ही करेगी पाकिस्तान में हर सेक्टर की हर इंडस्ट्री की एक ट्रेड बॉडी भी मौजूद है फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल को पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल एक्टमा या फिर पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एसोसिएशन रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर राइस को रिप्रेजेंट करता है ऑटो इंडस्ट्री को पामर रिप्रेजेंट करता है एंड सो ऑन हुकूमत पाकिस्तान जब तक इंडस्ट्री को साथ ले लेके नहीं चलेगी तब तक वो एक्सपोर्ट्स उस तरह
बढ़ाई भी नहीं जा सकती। उसकी वजह ये है कि इंडस्ट्री इट्सेल्फ जो है वो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होती है जो कि ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स को समझती है। तो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इंडस्ट्री को इंक्लूड करना इन द पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड फॉर द बिजनेसेस टू प्रोड्यूस एट द मोमेंट व्हेन द पॉलिसी रेट इज़ 22%। इसके अलावा जहाँ पे FTAs को रीनिगोसिएट या फिर रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है वहाँ पे उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए, ये बात जहन में रखते हुए कि FTAs जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए, ना कि वो ट्रेड डाइवर्ट करें, बल्कि ट्रेड क्रिएशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। गिवन द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस, इट्स वेरी हार्ड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स इन द शॉर्ट टर्म। तो पाकिस्तान रियली नीड्स टू कम अप विद अ लॉन्ग टर्म रोड मैप दैट फोकसेस ऑन मार्केट डाइवर्सिफिकेशन इफ इट रियली वॉन्ट्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट्स।